यूक्रेन युद्ध में वार पलटवार का दौर जारी है। यूक्रेनी हमलों से गुस्साए रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की सांसें फुला दी। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का पुतिन की सेना ने 24 घंटे के भीतर ही करारा जवाब देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। दरअसल रूस ने सोमवार यानी 2 सितंबर की तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला दिया। रूस ने बड़ा हवाई हमला कर यूक्रेनी सेना के हाली इरादों पर भी पानी फेर दिया। दावा है कि रूस ने राजधानी कीव के साथ बाकी शहरों में भी तबाही मचाई। रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार की। रूस के हालिया हमले इतने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा यूक्रेन की वायुसेना के बयान से लगाया जा सकता है। रूसी हमलों की पुष्टि करते हुए यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूस की ओर से हुए हवाई हमलों की एक सीरीज ने यूक्रेन की राजधानी को हिला कर रख दिया। जोरदार धमाकों से यूक्रेन के लोगों की आंखों में दहशत देखी गई। रूसी हमलों से बचने के लिए यूक्रेनी जनता को बॉम्ब शेल्टर्स में भेजा गया। हवाई हमलों ने खार्किव और अन्य शहरों को भी निशाना बनाया। बड़ी संख्या में छोड़ी गई रूसी मिसाइलों से कीव की नागरिक सुविधाओं और घरों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि हर चीज का जवाब मिलेगा, दुश्मन को इसका एहसास होगा। वहीं कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने बताया कि रूसी हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है। इमरजेंसी सर्विस को कीव के कई जिलों में बुलाया गया। इस दौरान कई इमारतों के क्षतिग्रस्त होने और उनमें फंसे लोगों को बचाया गया। वहीं कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही पोपको ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी और उसके उपनगरों पर दागी गई 10 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें, करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें और एक ड्रोन को यूक्रेन की हवाई सुरक्षा ने नुकसान पहुंचाने से पहले ही तबाह कर दिया। यूक्रेनी बलों ने दावा किया कि रूसी हमलों के प्रभाव को काफी हद तक काबू में किया गया। यूक्रेनी सेना ने कीव, खार्किव, निप्रो, पोल्टावा, माइकोलाइव और जापोरोजिया में 35 में से 22 मिसाइलों और 23 में से 20 हमलावर ड्रोन को नष्ट किया। खार्किव के प्रमुख ने इंडस्ट्रिलिनी जिले पर सुबह सुबह हमले की पुष्टि की। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर रूस ने अचानक से यूक्रेन की राजधानी और उसके शहरों पर धावा क्यों बोला। तो बताते चले कि बीते दिन यूक्रेन ने रूसी इलाकों में अपनी हवाई ताकत दिखाते हुए कई इलाकों पर हवाई हमले किए थे। इस दौरान रूसी इलाकों पर टारगेट कर 150 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोनों से हमला किया गया था। दावा है कि इनमें से 2 मॉस्को शहर के ऊपर और 9 आसपास के इलाकों में, जबकि करीब 50 से ज्यादा ड्रोन कुरस्क के ऊपर देखे गए। गौरतलब है कि पिछले महीने ही कुरस्क पर यूक्रेनी सेना ने बड़ा हमला किया था, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रूसी धरती पर सबसे बड़ी घुसपैठ के तौर पर देखा गया। इसके जवाब में रूस ने भी 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेन पर जबरदस्त कार्रवाई कर मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जाता है कि रूस ने काफी अंदर तक यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया। हालिया यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने मौजूदा युद्ध को अग्रिम मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 2 से 3 महीनों में यूक्रेन ने रूस पर अपने हवाई हमले तेज कर रूसी सेना को बैकफुट पर धकेला है। दावा है कि यूक्रेन ने रूसी हमलों की रफ्तार को धीमा करने के लिए उसके रिफाइनरियों और तेल टर्मिनलों को निशाना बनाया है।